ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, 17 नवंबर दिन रविवार और इस दिन द्वितीय तिथि पड़ रही है। देखिए दोस्तों, इस दिन को बहुत ही विशेष माना जाता है। भक्तों मानता है कि रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है। ऐसे में दोस्तों, इस रविवार की तिथि को पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताए गए कुछ छोटे छोटे उपाय आप सभी को करने हैं। देखिए, सबसे पहले जो उपाय है वह उपाय केवल एक मुट्ठी नमक वाला उपाय है। बड़ा ही कारगरी और सिद्ध उपाय है दोस्तों। यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय आपकी जनों की गरीबी को मिटा देगा, आपके जीवन की पूरी काया पलट कर देगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे, इस रबारी तिथि को जो सबसे कारगरी उपाय है एक मुट्ठी नमक वाला उपाय, इस उपाय को आप सभी को करना है। किस प्रकार से करना है, किस विधि से करना है, संपूर्ण जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। लेकिन हर बार की तरह सबसे पहले काम, यदि अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें। देखिए मित्रों, जवाब हमारे द्वारा बताए गए इन उपायों को करते हैं और आपको लाभ प्राप्त होता है तो उससे हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए आप इन सभी उपायों को पूरी विधि अनुसार करें। देखिए भक्तों, सबसे पहले जो उपाय है वह उपाय नमक वाला है। इस नमक वाले उपाय को करने से आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। यदि घर में पैसों धन को लेकर कमी आ रही है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि नमक हमारे भोजन का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ ही हमारे जीवन की कुछ समस्याओं का भी हल कर सकता है। जी हाँ, वक्त तो मान्यता है कि नमक में कुछ ऐसी दिव्य शक्तियाँ समाहित होती हैं जिससे यह घर में उपस्थित नकारात्मक शक्तियों को घर से दूर करता है। तो आप भी इस रविवार है नमक के इस छोटे से प्रयोग से अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। देखिए, वक्त तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल इस रविवार की तिथि को सुबह उठते ही आप जब भी अपने घर में पोछा लगाए तो उस समय पोछा लगाने की बाल्टी में एक मुट्ठी नमक डाल दे और उसके बाद उसे नमक वाले पानी से अपने पूरे घर में पोछा लगाए। दोस्तों मानता है कि नमक वाले पानी से घर में पोछा लगाने से घर की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। घर में हमेशा सुख और समृद्धि और बरकत बनी रहती है। दोस्तों, यदि इस प्रयोग को आपने अभी तक नहीं किया तो हमारे कहने पर एक बार इस प्रयोग को जरूर कर देखेगा, क्योंकि दोस्तों यदि आपने एक बार इस प्रयोग को कर लिया तो जीवन में कभी भी आपको दुख झेलना नहीं पड़ेगा और घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। देखिए भक्तों, इसी के साथ ही आप नमक और फिटकरी के इस दूसरे उपाय को भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल इस रविवार की तिथि को एक कांच की कटोरी लेनी है और उसका आज की कटोरी में थोड़ा सा अपने घर से उठाकर सादा नमक डाल देना है और इस कटोरी में कुछ फिटकरी के टुकड़े डाल देने हैं। दोस्तों, उसके बाद है उसे कटोरी को अपने घर में कहीं भी छुपाकर रख देना है। दोस्तों मानता है कि ऐसा करने से भी घर में उपस्थित नकारात्मक शक्तियां घर से दूर हो जाती हैं और घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होते। तो दोस्तों, आपको नमक वाले इन उपायों को एक बार जरूर कर देखना चाहिए। भक्तों देखिए, अब दूसरा जो उपाय है यह उपाय एक चुटकी हल्दी और एक लोटे जल का है। दोस्तों आप सभी को तो पता है कि रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है और हमारी कुंडली में यदि सूर्य की स्थिति ठीक नहीं हो तो हमारे जीवन में हर बनता कार्य भी बिगड़ने लगता है। जी हाँ, वक्त तो यह जो एक लोटे जल और एक चुटकी हल्दी वाला उपाय है, यह उपाय आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति को मजबूत बनाएगा। भक्तों, पूज्य गुरुदेव ने भी कई बार अपनी कथाओं में कहा है कि एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। जी हाँ दोस्तों, इस तरह यह एक लोटा जल और यह एक चुटकी हल्दी आपकी सभी समस्याओं का हल है।
देखिए इस उपाय को आपको करने के लिए इस रविवार की तिथि को दोपहर के 1 के करीब एक पीतल का लोटा लेना है और उसमें थोड़ा सा गंगाजल डाल लेना है और एक चुटकी हल्दी डाल लेनी है दोस्तों। उसके बाद उसे लोट को उठाकर आपको ऐसे स्थान पर जाना है जहां पर शमी वृक्ष लगा हो। भक्तों, पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि इस एक चुटकी हल्दी और एक लोटे जल वाले उपाय को शमी वृक्ष के पास जरूर करना चाहिए। तो आपको उसे लोट को उठाकर किसी भी शमी वृक्ष के पास जाना है और वहां जाकर उसे समय वृक्ष की जड़ में उसे एक लोटे जल को भगवान सूर्य देव का स्मरण करते हुए और अपनी कुंडली में सूर्य की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए प्रार्थना करते हुए उसे जड़ में अर्पित कर देना है। भक्तों, मानता है कि इस उपाय को 3 रविवार लगातार करने से हमारी कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है, जिससे हमारे जीवन के हर बिगड़ते कार्य भी बनने लगते हैं, हमें हर कार्य में प्रकृति प्राप्त होती है। दोस्तों, यह उपाय बाद ही कारगरी है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि यदि इस उपाय को विधि अनुसार और सही समय पर कर लिया तो इस उपाय से आपको 100% ही लाभ की प्राप्ति होगी। देखिए भक्तों, अब जो दूसरा उपाय है इस रविवार मनोकामना पूर्ति के लिए है। यदि आपकी कोई भी मनोकामना है और वह लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है तो आप इस उपाय को जरूर कर सकते हैं। देखिए इस उपाय को करने से क्या होगा कि आपकी जो भी मनोकामना है वह मनोकामना बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। देखिए भक्तों, इस उपाय को आपको केवल एक लोटे जल और 3 बेलपत्र की पत्तियों से करना है। देखिए भक्तों, 17 नवंबर इस दिन रविवार पड़ रहा है, साथ ही पड़ रही है द्वितीया तिथि। तो इस दिन आपको प्रदोष के समय एक लोटा जल लेना है और 3 बेलपत्र की पत्तियां लेनी है। भक्तों, में अपनी पुरानी वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि बेलपत्र की पत्तियां आपको ऐसी लेनी है जो बिल्कुल भी कटी फटी ना हो, आपको बिल्कुल साबित पत्तियां लेनी है और उसके बाद उन्हें अच्छे से धोकर उनकी चिकनी साइड चंदन का टीका लगाना है और फिर उसे एक लोटे जल और 3 बेलपत्र की पत्तियों को लेकर आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है और वहां जाकर भगवान शिव की शिवलिंग पर उन 3 बेलपत्र की पत्तियों को अर्पित करना है भगवान शिव का स्मरण करते हुए और उसके बाद उसे एक लोटे जल को भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए। फिर जो शिवलिंग पर अशोक सुंदरी वाला भाग होता है उसे पर आपको अपनी अंगुली से स्पर्श करना है और अपनी मनोकामना को बोलना है। भक्तों, इस उपाय से आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होगी। भक्तों, यदि आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही तो आप इस दिव्य और अचूक उपाय को एक बार अवश्य कर देखिएगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अब जो अगला उपाय है यह उपाय घर में धन की बरकत को बढ़ाने के लिए है। यदि आपके घर में धन नहीं आ रहा है, यह फिर घर में धन आता है तो रुकता नहीं है, अनावश्यक धन खर्च हो रहा है, पैसा आते ही चला जाता है, तो आप लोगों को इस रविवार या तिथि पर 4 लहसुन की कलियों से यह छोटा सा दिव्या और अचूक उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए भक्तों, इस उपाय को आपको किस प्रकार से करना है अब आप बड़े ही ध्यान से सुनेगा। देखिए भक्तों, इस उपाय को करने के लिए इस रविवार आपको रात्रि की समय सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार पर अर्थात चौखट पर एक दीपक जलाकर रखना है। उसके बाद आपको अपने रसोई घर से 4 लहसुन की कलियां लेनी है और उन 4 लहसुन की कलियों के छिलके उतारकर उन 4 लहसुन की कलियों को अपने घर की तिजोरी में या फिर अलमारी में एक लाल कपड़े में बांधकर सिक्के के साथ रख दे। दोस्तों, मानता है कि रविवार के दिन इस उपाय को करने से घर में पैसा बहाने मार मार कर आने लगता है और घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं रहती है।
दोस्तों, यह उपाय बाद ही कारगरी उपाय है। यदि आपने इस उपाय को अभी तक नहीं किया तो एक बार जरूर कर दिखेगा, क्योंकि इस उपाय को करने से हमारे एक दर्शक महेश कुमार जी को लाभ मिला है। महेश कुमार जी ने हमारी पुरानी एक वीडियो पर कमेंट किया था। उन्होंने कहा था कि गुरु जी, हमने आपके द्वारा बताया कि उन चार लहसुन की कलियों के उपाय को धन प्राप्ति के लिए किया था, तो हमें धन के मामले में लाभ प्राप्त हुआ है। तो भक्तों, इसीलिए मैंने आज आप लोगों को फिर से ईसर अधिकारी तिथि के लिए इस उपाय को बताने का प्रयास किया है। तो आप सभी इस उपाय को जरूर कर देखेगा, आप लोगों को भी जरूर लाभ प्राप्त होगा। अब देखिए भक्तों, रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को तो समर्पित होता ही है, परंतु इस दिन आप लोगों को कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार हम रविवार के दिन कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से हमारी कुंडली में भगवान सूर्य देव की स्थिति कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से हमें मुसीबतें चारों ओर से घेर लेती हैं। तो देखिए, रविवार के दिन भूलकर भी कभी हमें काले वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। दोस्तों, मानता है कि रविवार के दिन काले वस्त्र पहनने से हमारी कुंडली में शनि की जो स्थिति होती है वह डगमगा जाती है, साथ ही हमारी कुंडली से सूर्य की स्थिति भी खराब हो जाती है और हमें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ ही भक्तों, रविवार के दिन भूलकर भी कभी हमें अपने घर में यदि तुलसी का पौधा है तो उसे तुलसी के पौधे से तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन तुलसी का पत्ता तोड़ने पर निषेध माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि रविवार के दिन तुलसी का पत्ता तोड़ने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती है, घर में गरीबी आ जाती है, घर में रोग आ जाते हैं। इसलिए दोस्तों, रविवार के दिन तुलसी के पत्ते को तोड़ना पाप माना जाता है। साथ ही देखिए भक्तों, मान्यता है कि रविवार के दिन यदि आपके घर में कोई गए हैं तो उसे गाय को एक रोटी अवश्य खिलानी चाहिए। दोस्तों, कहते हैं कि रविवार के दिन गाय को रोटी खिलाने से हमारे जीवन में आने वाली सभी समस्याएं हल हो जाती हैं, सारे संकट टल जाते हैं। तो दोस्तों, रविवार के दिन आप अपने घर में गाय को रोटी अवश्य खिलाएं, गाय को हरा चारा अवश्य खिलाएं। तो भक्तों, पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताए गए इन सभी उपायों को आप सभी एक बार जरूर कर दिखेगा, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। और इस वीडियो को अपने मित्रों दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब हमारे द्वारा बताए गए इन उपायों को आप करते हैं और आपको लाभ मिलता है तो उससे हमें भी बोलने की प्राप्ति होती है। भक्तों, पुनः मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।